ये है हीरो स्प्लेंडर BS6 का DCRR यूनिट। कंपनी खुद कहती है जब ये ख़राब हो जाए तो आपकी गाड़ी में सेल्फ काम नहीं करेगा, फ्यूल पंप काम नहीं करेगा, गाड़ी के अंदर करंट नहीं आएगा और गाड़ी के अंदर बैटरी चार्जिंग नहीं होगी। अब समझ सकते हैं इस डीसी चार्जर के अंदर इतना पावरफुल कनेक्शन दिया हुआ है कि ये अगर ख़राब हो जाए तो सारा का सारा चीज़ वर्किंग जो है ठप पड़ जाएगा, सिर्फ के सिर्फ आपकी गाड़ी में हॉर्न काम करेगा। जी हाँ मैकेनिक भाइयों, आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं कंपनी रिकमेंडेड दिया गया इसके चैप्टर नंबर 15 के बारे में, बैटरी चार्जिंग सिस्टम। यहाँ पे अगर देखें ये सिस्टम डायग्राम है, इस जगह पे इस गाड़ी का फ्यूज बॉक्स और यहाँ पे इसका रेगुलेटर रेक्टिफायर लगा हुआ है। यह है इस गाड़ी का वायरिंग डायग्राम। जो वीडियो में बने रहिए, सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करके आपको एक एक चीज़ें बताएंगे डिटेल के साथ। ये है स्प्लेंडर BS6। अगर देखें तो इसके राइट हैंड साइड के पैनल को ओपन कर रखा है और यहाँ पर आपको इसका DCRR यूनिट देखने को मिलेगा। इसे इसलिए ओपन किया क्योंकि आप सभी को पता होगा कि कोई सी भी BS6 व्हीकल को वर्क करने के लिए चार इंपॉर्टेंट सिस्टम का होना बहुत ही ज़रूरी है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में बता रखा है। चार इंपॉर्टेंट सिस्टम कौन कौन सा है? पहला है इग्निशन सिस्टम, दूसरा है चार्जिंग सिस्टम, तीसरा है लाइटिंग सिस्टम और चौथा है इसका सेल्फ स्टार्ट सिस्टम। मैंने इसके इग्निशन सिस्टम को ऑलरेडी डिटेल के साथ PDF के साथ कवर कर रखा है। अगर अभी तक वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, जरूर से ज़रूर उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। इसके फर्स्ट सिस्टम को डिटेल में कवर कर लिए हैं, अभी इसके सेकेंड सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि इस BS6 की गाड़ी में चार्जिंग किस तरह से होता है, किस तरह से RR यूनिट काम करता है, मैग्नेट कॉइल किस तरह से करंट सप्लाई करता है और इसकी बैटरी किस तरह से चार्ज होती है, यानी सेकेंड सिस्टम के बारे में बात करेंगे जो है इसका चार्जिंग सिस्टम। तो वीडियो में बने रहिए, चलिए वीडियो में एक एक प्रोसेस बताते हैं PDF के साथ, वायरिंग डायग्राम के साथ। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल एंड इंटरेस्टिंग रहेगी वीडियो, वीडियो में बने रहिए, चलिए एक एक स्टेप बताते हैं। यहाँ से इसका मेन टेस्टिंग प्रोसेस शुरू होता है। चैप्टर नंबर 15 में इसका कंप्लीट डिटेल बताया गया है बैटरी चार्जिंग सिस्टम के बारे में। अब देखें यहाँ पे इसके वायरिंग हार्नेस को पहले आप समझ लीजिए। अब वायरिंग हार्नेस में पूरा डिटेल दिया हुआ है, मेन कॉम्बिनेशन स्विच यहाँ पे है और इस जगह पे अगर नीचे देखें तो चार्जिंग के लिए मेन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ACG यानी अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। अब इससे मेन तीन वायर कनेक्ट होते हैं, एक तो यहाँ से न्यूट्रल स्विच के लिए जाता है वो अलग है, बाकी यहाँ पे एक इंजन अर्थ दिया हुआ है जो ग्राउंड यहाँ से लेता है और ग्रीन कलर का वायर होते हुए यहाँ से इसके रेगुलेटर रेक्टिफायर को जाता है और एक वायर इसके ACG से निकलता है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर से, वो वाइट कलर का निकलता है और RR यूनिट के पास जाता है। अब मैग्नेट से जो निकल रहा है वो तो है AC करंट, अब AC को DC में सप्लाई करके ये चार्जिंग को भेजता है इसके इस यहाँ पे बैटरी के पास। अब चलिए इसके मैग्नेट साइड के अगर कोई ख़राबी आ जाए, मैग्नेट कॉइल ख़राब हो जाए तो वो टेस्टिंग प्रोसेस यहाँ पे बताया जाता है इसके चैप्टर नंबर 15 के पेज नंबर 14 में बताया जाता है। क्या है टेस्टिंग प्रोसेस, कैसे कैसे चेक करना मल्टीमीटर से, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ जो आपने दो वायर देखा ग्रीन और वाइट, वही सेम वायर कनेक्शन आपको इस कपलर में देखने को मिलेगा, ग्रीन और वाइट। तो मैग्नेट साइड से जो हम AC करंट चेक करेंगे वो इसी में चेक करेंगे, ग्रीन और वाइट। अब इस चीज़ को चेक करने का तीन आसान स्टेप है, पहला है मल्टीमीटर, दूसरा कनेक्टिविटी टेस्टर और तीसरा हमारे आफ्टर मार्केट मैकेनिक भाइयों के लिए टेस्टिंग लैंप के भी मदद से पता कर सकते हैं कि मैग्नेट कॉइल ख़राब है या सही। तो एक एक स्टेप को फॉलो करते चलेंगे, थोड़ा सा टाइम जाएगा बट डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो बैटरी चार्जिंग को लेकर कभी भी आपके गैराज में BS6 की गाड़ी समस्या लेकर आती है तो चुटकियों में उसका आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं। पहला स्टेप क्या मैंने बताया, मल्टीमीटर का यूज करते हैं, कितने ओहम पे कितना रीडिंग आएगा उस चीज को समझिए। मल्टीमीटर से जब भी चेक करेंगे तो दो जगह पे आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं, यहाँ पे आप ये जो ओहम का जितना भी सिंबल है कहीं पे भी आप सेटिंग करके रीडिंग ले सकते हैं, बट जो सटीक रिजल्ट मिलेगा वो 200 ओहम पे या 20K पे। तो अभी मैं इसका जो लगाऊंगा मल्टीमीटर को वो 20K पे लगाऊंगा और ये दोनों टर्मिनल को इस दोनों वायर के एक एक कपलर में इसे फंसा दूंगा और रीडिंग जो देखने को मिलेगा PDF के हिसाब से 0.2 से लेकर 0.12 तक रीडिंग इसके अंदर देखने को मिलेगा। मैंने बताया कि दो जगह पे आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं 20K और 200K पे।
200K पे मैंने इसका सेटिंग किया है, तो मल्टीमीटर में रीडिंग क्या देखा, 01.4। अब क्या कंपनी क्या कह रही है वो मैं आपको बताता हूँ, रीडिंग अच्छे से देख लें, 200 ओम पे मैंने रखा है। अब कंपनी क्या कहती है पीडीएफ में वो आप अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे कहती है देखें, दो वायर में आपको कनेक्टिविटी लेना है, यहाँ पे वाइट वायर में एक कनेक्शन लेना है और दूसरा माइनस कनेक्शन ग्रीन वाले वायर में लेना है। और स्टैंडर्ड इसके अंदर जो देखने को मिलेगा 0.2 से -1.2 ओम का रीडिंग देखने को मिलेगा। और अगर देखिए, बहुत सारे हमारे मैकेनिक भाई कहते हैं कि इंग्लिश में समझ में नहीं आता है, आप हिंदी में समझाइए, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ कि स्टार्टर कॉइल का रीडिंग अगर इस रेंज से आउट होता है तो आप इसके कंप्लीट टेस्टिंग करें मैग्नेट कॉइल का, और साथ ही साथ अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो मैग्नेट कॉइल को आप रिप्लेस कर दें, चेंज कर दें अगर ये रीडिंग से ज़्यादा जाता है। तो अभी देखें इस रीडिंग के इर्द गिर्द ये है, ज़्यादा फर्क कुछ दिखा नहीं, तो पता क्या चला कि मैग्नेट कॉइल हमारी गाड़ी का सही है। और टेस्टिंग कहाँ करेंगे, 200 ओम पे। फर्स्ट अटेम्प्ट की टेस्टिंग आपको पता चल गई कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मल्टीमीटर में देखिए रीडिंग वही सेम आ रहा है 0.12, एकदम सटीक रीडिंग है, तो इसका आपको टेस्टिंग पता चल गया। अब दूसरे स्टेप में आपको यूज में लाना है कनेक्टिविटी टेस्टर, ये उस काम के लिए आता है, काफ़ी समय वन वे का बोल्ट टूट जाता है और उस कंडीशन में मैग्नेट का जो वायर होता है वो बीच में से कट जाता है। अब इसको हम बाहर से ही पता कर लेंगे कि मैग्नेट का जो वायर है, जो तांबे का वायर बना हुआ है, वो कटा है या सही, ये कनेक्टिविटी टेस्टर हमें बताएगा। कैसे, जब इसके दोनों वायर को इसके इस कनेक्शन में लगाएंगे तो इसके अंदर से लाइट जलेगा। अब जब लाइट जलेगा तो ये पता चलेगा कि इसके अंदर का वायर जो है वो परफेक्ट है। ये देखिए, आपके साथ लाइव प्रूफ शेयर कर रहे हैं। वही इसके ग्रीन और वाइट वाले वायर में कनेक्शन नहीं है, तो ये पता चल गया कि इसके मैग्नेट का जो कॉइल है वो परफेक्ट है, कहीं से कटा हुआ नहीं है। तीसरा स्टेप आपको बता देते हैं, क्योंकि बहुत सारे मैकेनिक भाइयों को इसके जो मल्टीमीटर और कनेक्टिविटी टेस्टर समझ में नहीं आता है, तो तीसरे स्टेप में आपको एक इंडिकेटर लेना है। गैराज में तो इंडिकेटर होगा ही। अब इस इंडिकेटर के दोनों कपलर को इसके इस नेगेटिव और पॉजिटिव कपलर में लगा देंगे और गाड़ी के किक का उपयोग करेंगे। अब जो उसके अंदर से कंप्लीट करंट उत्पन्न होगा उसके मदद से यहाँ पे बल्ब जलेगा। चलिए अभी किक आपको उपयोग करके दिखाते हैं। ये देखिए जैसे हम किक मारते हैं इसका इंडिकेटर जल रहा है, तो पता क्या चला कि मैग्नेट कॉइल तीन स्टेप से चेक किया जाता है, तीनों स्टेप मैंने आपको बता दिया। अब इसके टेस्टिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं और इसके चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। अब इसके टेस्टिंग को बढ़ाते हुए इसके चैप्टर नंबर 15 के पेज नंबर 13 में हम लोग आ गए हैं, यानी इसके राइट हैंड साइड आरआर यूनिट की टेस्टिंग करने। अब आरआर यूनिट में क्या कहती है कंपनी, यहाँ पे स्टैंडर्ड जो रहेगा बैटरी वोल्टेज को चेक करना है। अब कैसे और कौन से वायर में चेक करना है, तो कलर कोड कंपनी बताती है यहाँ पे रेड प्लस येल्लो वायर में आपको चेक करना है और माइनस ग्रीन वाले वायर में दिखेगा आपको स्टैंडर्ड बैटरी वोल्टेज। चलिए ओपन करते हैं इस कपलर कनेक्शन को और आपको वोल्टेज की टेस्टिंग कराते हैं। इग्निशन ऑन करने की कोई आवश्यकता नहीं, ऑफ कंडीशन में डायरेक्ट इसके अंदर सप्लाई आता है। तो अभी हमें चेक करना है रेड प्लस येल्लो प्लस ग्रीन, इस येल्लो को साइड कर देना क्योंकि ये हेडलाइट के लिए है, ये मैग्नेट कॉइल के लिए है। तो इसमें और इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, 12 वोल्ट का इनपुट सप्लाई। जब भी हम बैटरी की वोल्टेज को चेक करेंगे तो मल्टीमीटर को डीसी वोल्ट पे सेट करेंगे, 20 वोल्ट पे, तो 12 वोल्ट की हमें सप्लाई इसके अंदर देखने को मिलेगा। अभी इसके नेगेटिव टर्मिनल को यहाँ पे इसके नेगेटिव प्रोब पे और पॉजिटिव को ब्लैक ये रेड प्लस येल्लो पे लगाएंगे, तो देखिए बैटरी वोल्टेज जो सटीक इसके अंदर देखने को मिल रहा है 12.98, यानी बैटरी का वोल्टेज इसके अंदर इनपुट आ रहा है। अब इसके स्टेप को नीचे ले आएंगे, यहाँ पे इसके कनेक्शन को चेक करना। कनेक्शन यहाँ पे कंपनी इस चीज़ को कह रही है कि मैग्नेट से इस आरआर यूनिट के बीच में जो वायर आ रहा है वो बीच से कटा है या सही है, उस चीज़ को चेक करना है। यहाँ पे थोड़ा सा आप अपना माइंड लगा सकते हैं, जैसे अगर हो सकता है मैग्नेट से आपका मैग्नेट कॉइल सही हो, बट मैग्नेट से जो आरआर यूनिट के पास ये वाइट वाला वायर आ रहा है और ये ग्रीन वाला वायर आ रहा है, ये बीच से कट गया होगा, तो आपको पता कैसे करना है, तो सेम जिस तरह से आपको मैग्नेट साइड टेस्टिंग करने को बताएं वैसे ही टेस्टिंग करना है। यानी मल्टीमीटर को 200 ओम पे लगाना है और वही सेम कनेक्शन लगाएंगे और वही सेम हमें वोल्टेज देखने इसके अंदर रीडिंग देखने को मिलेगा। एक वायर इसके वाइट वाले में और दूसरा वायर इसके ग्रीन वाले में जो मैग्नेट साइड मैंने टेस्टिंग की है। देखिए फ्लक्चुएट करके फिर से सेम जगह पे जाएगा।
तो रीडिंग वही सेम दिखा कि मैग्नेट साइड से यहाँ पर जो वायरिंग आ रहा है वो बीच से सही है। यहाँ पे भी आप कनेक्टिविटी टेस्टर का उपयोग कर सकते हैं ये पता लगाने के लिए कि मैग्नेट साइड से जो वायर आ रहा है वो कटा है या सही। तो देखिए लाइट जल रहा है यानी मैग्नेट साइड से आरआर यूनिट को वायर मिलने वाला एकदम परफेक्ट है, बीच में से कहीं कटा हुआ नहीं है। ये तो कंप्लीट क्लियर हो गया इनपुट करंट का। आउटपुट कैसे चेक करेंगे ये सबसे इम्पोर्टेंट है, यानी आरआर यूनिट सही है या खराब ये कैसे पता लगाएंगे। अब बहुत ऐसे हमारे मैकेनिक भाई कन्फ्यूज होंगे कि ये सारे वायर क्यों कवर नहीं कर रहे हैं, तो इसे मैं इसके लाइटिंग सिस्टम में कवर करूंगा। अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इसके चार्जिंग सिस्टम को। अभी इसके स्टेप को आगे बढ़ाने के लिए इसके इस कॉइल को यहाँ पे जो कनेक्शन है ये ऐड कर देंगे और स्टेप ले आएंगे इसके बैटरी के पास। बैटरी को कंपनी चेक करने का कहती है जब भी आप इसके आरआर यूनिट के कपलर कनेक्शन को चेक कर लेते हैं। बैटरी को चेक करने से पहले क्या कंपनी कहती है कि सबसे पहले इसके कनेक्शन को आप डिसकनेक्ट कर दें, यानी जब भी मल्टीमीटर से बैटरी को चेक करना हो तो ये इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टर्मिनल यहाँ से हटा दें, ये लगा नहीं होना चाहिए। जब भी बैटरी के कनेक्शन को हटाना हो सबसे पहले नेगेटिव प्रोब को ओपन करना होता है, फिर इसके पॉजिटिव प्रोब को ओपन करना होता है, पहले इसे फिर इसे, और फिटिंग के दौरान पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ये स्टेप रहना चाहिए। बैटरी को चेक करने के लिए अगर आपके पास लोड टेस्टर है या बैटरी टेस्टर है उस चीज़ का उपयोग कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप सिर्फ मल्टीमीटर के मदद से भी पता कर सकते हैं कि बैटरी सही है या ख़राब। तो इस दोनों प्रोब को लगाएंगे तो बैटरी का जो रीडिंग है वो ये देखने को मिलेगा, 12.50 होना चाहिए बट 12.95 है। कोई ज़्यादा खराबी इसके अंदर है नहीं, बैटरी एकदम परफेक्ट है। अब आपको इसके जस्ट कनेक्शन को हटा के इसके कनेक्शन को डायरेक्टली चेंज कर देना है ये चेक करने के लिए कि क्या बैटरी को ग्राउंड सही से मिल रहा है कि नहीं। तो बीप मोड पे मल्टीमीटर को सेट करना है यहाँ पे, और एक इसके ग्राउंड में वायर को टच कर देना है इस जगह पर, और दूसरा इस जगह पर ग्राउंड कहीं से डालना है। तो देखिए बीप का साउंड आपको सुनाई देगा, बीप बज रहा यानी ग्राउंड बैटरी को सटीक मिल रहा है। अब यहाँ पे जो मेन समस्या आता है कि कैसे पता करें कि बैटरी को चार्जिंग सही मिल रहा है कि नहीं और कितना चार्जिंग मिलना चाहिए। जैसे इसके अगले चैप्टर के ओर आप जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि इसके बैटरी की चार्जिंग जब आप चेक करेंगे तो कब कहाँ पर चेक करेंगे। 5000 to 6000 RPM पे ले जाने के बाद इसके अंदर जो वोल्टेज दिखेगा वो 14+ हो जाएगा, यानी 14.50 का रीडिंग इसके अंदर देखने को मिलेगा। कितने RPM पे? 5000 से 6000 RPM पे। चलिए मैं अभी आपको गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि जब 5000 RPM पे इस गाड़ी को ले जाएंगे उस कंडीशन में ये रीडिंग क्या दिखेगा इसके अंदर। तो अभी गाड़ी को हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे 20 वोल्ट पे इसके अंदर सेट करके। बाइक को स्टार्ट कर लिए, धीरे धीरे से इसका थ्रोटल खींचेंगे और ले जाएंगे इसको कितना 5000 RPM। चलिए थोड़ा थोड़ा खींचिए। तो फोर्टीन प्लस जा रहा है, और खींचिए थोड़ा सा, बस छोड़ दीजिए। जो PDF में यहाँ पे कंपनी बता रही है सटीक वही रीडिंग देखने को मिल रहा है। अगर इससे ज़्यादा जाता है तो समझ लीजिए कि RR यूनिट ख़राब हो चुका है। अब देख ऑलमोस्ट इसके सारे चीज़ों को कवर कर दिए हैं। अब मेन बारी आती है, बहुत सारे मैकेनिक भाई कंफ्यूज हो रहेंगे कि आपने इसके इस RR यूनिट की टेस्टिंग क्यों नहीं की। तो एक चीज़ आप हमेशा याद रखें, जब अगर RR यूनिट ख़राब रहेगा ना तो उस कंडीशन में आपको कोई भी चीज़ काम नहीं करेगा, सेल्फ भी काम नहीं करेगा, इसका फ्यूल पंप भी काम नहीं करेगा और बैटरी भी चार्ज नहीं होगी। तो उस कंडीशन में आप समझ लीजिएगा कि हमारी गाड़ी का ये जो RR यूनिट है ये ख़राब हो गया होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये आपका सेकेंड सिस्टम जो था दूसरे नंबर का, जिसके अंदर आपको मैंने चार्जिंग सिस्टम के बारे में डिटेल के साथ बताया, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी सी टॉपिक लेकर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।